विकलांग अधिकारी मंच ने प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में मनाया हिंदी दिवस, रतिया में आयोजित किया गया। इस समारोह में अखिल भारतीय खेत मजदूर संघ ने भी अपना समर्थन दिया। हिंदी को अपनाने का संदेश तथा विकलांग अधिकारी मंच की मांगों का किया समर्थन। विकलांग अधिकारी मंच हरियाणा का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन रतिया के किसान स्टेट हाउस में संपन्न हुआ, जिसमें काफी संख्या में दिव्यांगों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंच से प्रदेशाध्यक्ष ऋषिकेश राजरी ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसका सम्मान करना व प्रयोग करना राष्ट्र की सेवा है। इस कार्य को लेकर दिव्यांगजनों ने भी बीड़ा उठाया। जबकि दूसरी ओर अखिल भारतीय खेत मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रामचंद्र ने कहा कि हिंदी के बिना भारत के असली अस्तित्व का कल्याण ही नहीं, हिंदी को अपनाकर प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य है तथा आज ही हिंदी दिवस इन्होंने विकलांग मंच के साथ मिलकर बनाया है। आज हमारा विकलांगों का सम्मेलन चल रहा है और इस सम्मेलन में काफ़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और विचार विमर्श करने के लिए आए हैं। और आज हिंदी दिवस है हमारा। इस हिंदी दिवस पे हम सभी साथियों को हम क्रांतिकारी बधाई देते हैं और हम चाहते हैं कि हिंदी हमारी जो प्रिय भाषा है, इसको हम ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो। विकलांग अधिकार मंच का सम्मेलन होने जा रहा है और पूरे हरियाणा से, फतेहाबाद से इलाके के सभी विकलांग यहाँ इकट्ठे हुए और हम उनकी जो मांगे हैं और बिल्कुल जायज मांगे हैं, सरकार और प्रशासन के समक्ष हम अपील करते हैं कि उनकी मांगों की तरफ विशेष रूप से संवेदनशील होकर ध्यान देना चाहिए।